इस क्वेश्चन में दिए गए परिपथ में धारा I5 का मान जो है क्या होगा ये बताना है। ये आपको एक सर्किट दिख रहा होगा परिपथ, इसमें क्या होता है कि इसमें से हमें I5 का मान बताना है, यानी कि ये जो I5 है इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो इसका अब निकालना है। ठीक है, तो ये किरचॉफ करंट लॉ से सॉल्व होगा। इसका ये होता है कि मान लीजिए संगम पॉइंट है, मिलने वाला पॉइंट, तो इसमें जो है जो संगम से दूर जा रही होगी, जैसे ये जा रही है और ये जा रही है, ठीक है, तो जो संगम से दूर जा रही होगी इसका योग, इसका जोड़, और जो पास आ रही होंगी इसका योग, दोनों का सेम होता है, बराबर होता है। दूर जाने वाली पास आने वाली का दोनों का योग जो है एक जैसा होगा। ठीक है, तो हमको इसमें I5 का मान इसमें बताना है, तो ये मल्टीपल ऑप्शन है, इसमें से कोई एक होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको निकालते हैं कि तो इसको निकालते हैं किरचॉफ का जो नियम होता है, किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार लगाएंगे। ठीक, इसमें धारा नियम क्या कहता है कि संगम की तरफ आने वाले का योग और उससे दूर जाने वाली का योग जो है दोनों बराबर होता है। तो इसमें क्या आने वाली में क्या लिखेंगे, जो संगम की तरफ आ रही है क्या है, ये आ रही है I5 और I2 भी इधर ही आ रही है। ठीक है, तो लिखेंगे I2 प्लस I5। ठीक है, जो संगम की तरफ आ रही है I2 और I5 जो है संगम की तरफ आ रही है, बराबर होगा किसके, बाकी तीनों के। तो बाकी तीन क्या है, I1 प्लस I3 प्लस I4। ठीक, तो I2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, प्लस I5, चूँकि I5 की वैल्यू दिया नहीं है तो I2 की वैल्यू हमने 2 लिख दिया। ठीक है, और प्लस I5 कर दिया, बराबर है क्या, I1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, I1 की वैल्यू है 3 एम्पियर। ठीक है, 3 प्लस I3 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस I4 की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद जो है I5 निकालेंगे, I5 ही तो निकालना, तो जो निकालना होता है उसको पहले रखते हैं। ठीक है, तो I5 बराबर हो जाएगा, इसको जोड़िए, 3 × 1 = 4, 4 × 5 = 9। ठीक है, तो 9, और ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा, तो -2, कितने डिफरेंस आ रहा है इसमें, 7 का। ठीक है, तो I5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 एम्पियर में हो जाएगी। तो यहाँ पे 7 एम्पियर, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका सही है। ठीक है, इसमें करना क्या था कि जो पॉइंट्स देखने थे, ये संगम पॉइंट होता है, तो जो आने वाली धारा होती है और जो बाहर जाने वाली धारा होती है, जो आने वाली धारा का जो योग होगा वही बाहर जाने वाली धारा का योग होगा। ठीक है, तो इसी नियम से इसको सॉल्व करते हैं।